व्हाट्सअप लव पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और कैसे सारे दोस्तों, देखो कल है शिवरात्रि, तो आज हम निकलने वाले हैं हरिद्वार, ठीक है। वहां पर जाके गंगा स्नान करेंगे और जल लेके आएंगे घर के लिए। तो क्या करते हैं, फटाफट नहा धो हो जाते हैं तैयार और डायरेक्ट मतलब मिलता हूँ। एक चीज और बता दूँ, हम निकलने वाले हैं बाइक से, ठीक है। देखो पहली बार मैं इतनी दूर जाऊँगा बाइक से, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि बाइक से जाने वाले, देखते हैं थकावट होती है क्या होता है, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट और डायरेक्ट मिलते हैं बाइक पे और कर देते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। तो ये हम पहुंच गए हैं पहले वाले टोल पे। ये देखो पहले टोल, मतलब हमने 50 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है। और ये देखो मैं आपको दिखाऊं मैं कैसा लग रहा हूँ उस पर। कैसे लग रहे हैं हम लोग, है ना। तो हम निकलते हैं आगे, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग रुके हैं यहाँ पे, करने वाला भाई जा रहा था, ये करने का रास्ता होता है, तो हमने कहा you don't know how you say we're taking on water, yeah we're sinking now, you're looking all concerned like we're gonna drown। तो हम पहुंच गए नगीना बाईपास के यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे है अपना तोलाराम, जो काफ़ी पुराना और काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसके रसगुल्ले काफ़ी फेमस है। तो हमने तो चलो यहाँ पे रुकते हैं, चाय और थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं और फिर आगे निकलते हैं। तो चलो और फिर चलते हैं। तो कुछ ऐसे दिखता है यहाँ से तोलाराम। और टोकन तो मैं ले आया, उस टाइम फ़ोन मेरे पास था नहीं, तो मैंने दिखाया नहीं। तो ये देखो मैं आपको दिखा दूँ हमारा ऑर्डर में क्या क्या है। दो चाय, एक मिक्स पकोड़ा और दो गुलाब जामुन। ये ले लो, अब ले लो भैया, ठीक है। तो ये देखो क्या ही शानदार शानदार, गर्मा गर्म, काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ का ये गुलाब जामुन। तो ये भी लिया है, खैर दो हमने। बैठते हैं बाहर धूप में, ले आएगा भाई अपने आप, चला बैठते हैं फिर। तो ये देखो व्यू, देखो क्या ही ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है यहाँ से। और अपने बैठ के बढ़िया से टेक लगा के, चाय अपनी आ गई है, तो पकोड़े अपनी आ गई है। तो ये देखो चाय पकोड़े, ये बस इसी चीज़ का पैसा होता है, ये जो सर्व करने का स्टाइल है ना, इसी चीज़ का पैसा है। आपको बता दूं सिर्फ ये दो चीज़ 250 रुपये की है, तो आप गैस कर लो। नहीं, साथ में गुलाब जामुन भी है, तो ये 250 रुपये का आइटम है अपना। तो अपने कहा चलो कोई नहीं, अब चिल मारते हैं, थोड़ा खाते हैं यहाँ पर, इंजॉय करते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ना यहाँ पे बैठ के मस्ती मार रहे थे हम लोग, तो अभी देखता हूँ खा के फिर एक बार बैठ के फिर निकलेंगे। चलो भैया, ये अपने आगे गुलाब जामुन, और इसके अंदर जो इतना सॉफ्टनेस है ना, क्या ही बताऊँ मैं आपको, इतना सॉफ्टनेस है, ज़बरदस्त वाला सॉफ्टनेस। ये देखो ये है तोलाराम, बहुत पुराना, 1945 से, खा लेता हूँ पहले से। तो फिर निकलते हैं यहाँ से आगे, थोड़ा दाना पानी जो ले रहा था शरीर को वो ले लिया, दाना पानी खा पी लिया हमने बढ़िया से, अब निकल रहे हैं आगे। तो ये देखो कुछ यहाँ से अभी बिल्कुल नया ही ओपन हुआ है, इससे पहले कहीं पे और था। देखो तोलाराम ग्रैंड रेस्टोरेंट, तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और टेस्ट भी काफ़ी यूनिक था, ठीक है। तो अब निकलते हैं आगे और कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को, तो चलो फिर चलते हैं आगे को। तो ये देखो रश, देखो कितना ही रश हो रहा है, क्या ही तगड़ा हुआ, बहुत देर से जाम लगा हुआ, बाइक से आए तब भी ये हालत है। अब यहाँ से रह गया 50 किलोमीटर, तो फटाफट पहुँचते हैं, धीरे धीरे निकलते हैं यहाँ से। देखो रश, देखो बहुत ज़्यादा रश है यार इस बार, देख लो रास्ते में यही हाल है, 50 किलोमीटर दूर से यही हालत है। चलो आगे दिखाता रहूँगा आपको। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हरि के द्वार। तो आप लोग देखो भोलेनाथ दिख रहे हैं यहाँ से, तो चलते हैं पहले आगे गाड़ी लगा लेते हैं। और ये देखो बाइक पार्किंग कुछ ऐसी है, हम इधर बाइक से आए तो बाइक हमारी एक तो यहाँ पार्क हो गई है, कि यहाँ पार्क हो गई है। देख लो क्या ही खूबसूरत लग रहा है, सारे झंडे लग रहे होंगे, क्या ही जोर लग रहा है।
तो चलो चलते हैं अंदर और करते हैं स्नान। चलो फिर तो फाइनली पहुंच गए हैं और चल रहे हैं अपने अपने दो साथ में, दो आगे बंदे ये अपने। तो ये देखो क्या ही जबरदस्त, और मेरे ख्याल से वो देखो ऊपर दिख रहा है वो नीलकंठ मंदिर है। तो यहाँ से चलते हैं, पहले तो गंगा स्नान करना है। चले चलते हैं हर की पौड़ी। भीड़ देख रहे हो क्या ही जबरदस्त वाली भीड़ होती है यहाँ। तो यहाँ से है एंट्री। एंट्री क्या मतलब, आगे बस यहीं से हर की पौड़ी स्टार्ट हो जाता है। सो ये देखो पहुंच गए हम हर की पौड़ी, और ये भीड़ देखो, देख रहे हो कितनी भीड़ है। जैसे धूप बारिश में काला आ रहा होगा। इस साइड को दिखाता हूँ आपको मैं, इस साइड ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। तो ये देखो चलते हैं आगे, खो ना जाए साथ के बंदे। ये पता नहीं क्या क्या आइटम मिल रहा है यार, ये देखो ऐसे पूरा सामान मिलता रहता है यहाँ पे। राम 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 राम। ये देखो सिक्के, सिक्के नोट, सिक्के नोट कलेक्शन है भाई के भाई, एंटीक कलेक्शन। ये क्या चीज है भैया, हैं तो ये असली होगा ये? अरे कहते हैं कि भाई कई सालों बाद जाके एक आध रुद्राक्ष निकलता है ओरिजिनल। नहीं नहीं हाँ, जो पेड़ होता है ना वैसे फल होते हैं। आप अपने सामने ये देखो, सिक्के देखो ना, सिक्के देखो इतने बड़े बड़े। ये देखो टैटू चल रहा है यहाँ पर, बढ़िया टैटू का काम चल रहा है। इसमें कोई दिक्कत आएगी तो हैं मेरे को, मैं बनाऊंगा फोरहेड पे यहाँ पे बनाएंगे बनाएंगे। चलो चलो भीड़ देखो कितनी हो रही है यहाँ पे, यहाँ से और भीड़ देखो। तो हम जाएंगे वो उस पार जाएंगे स्नान करने, हम लोग वहीं पे हर बार वहीं जाते हैं। तो देख के चलना पड़ेगा कि खो ना जाए। ये क्या है, यानी कौन कौन से फल मिल रहे हैं यार यहाँ, ऐसे करते करते खो ही ना जाए हम लोग। नहीं आगे हैं बंदे हमारे, 50 के लें टोपी। चलो चलो यार, ये देखो क्या ही गंदगी दिख रही है यार, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए यहाँ। बट साफ सफाई होती रहती है, हमने कुछ खाया तो था नहीं। यहाँ से एक भाई मिले हमें बिरयानी वाले, वेज बिरयानी, तो हम सोचे थोड़ा सा एक टेस्ट कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। सीगल्स, सीगल्स परिंदे, ठीक है चलो पहले ये टेस्ट करते हैं पुलाव। तो वेज बिरयानी हमने खा लिया, ठीक ठाक ही था, जो भी था 20-30 के हिसाब से ओके रिपोर्ट था, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो यहाँ से हम चलने वाले इस घाट के नीचे से जाएंगे, फिर वहाँ पे करेंगे स्नान। और ये देखो ये जो एरिया है यहाँ पे होती है मुंडन, ये देखो ये लाइन से बने हुए हैं, यहाँ पे मुंडन होता है और पीछे वो वहाँ पे नहाने वाने का है। तो ये दो जने तो ये है, एक बंदा अपना गया है अंडर गारमेंट्स लाने, वो लेके नहीं आया, तो लाता है फिर अपना। चलते हैं आगे स्नान करते हैं फिर। सब हम आ गए हैं ऊपर, और इधर से मैं आपको दिखाऊं तो ये है यहाँ का घंटाघर, ये देखो ये। चलते हैं उधर, साथ के आगे निकल गए। भीड़ देखो यार क्या ही गजब वाली भीड़ है, जिधर घुमाओ ना उधर भीड़ ही भीड़ है, उधर भीड़ ही भीड़ है। देखो क्या ही जबरदस्त भीड़ है, एक बार यहाँ से देखो भीड़ देखो क्या गजब की भीड़ हो रही है। चलो आजा आजा। सो अब यहीं पे करेंगे स्नान, और ये पन्नी लिए बिछाने के लिए, 20 रुपये की पन्नी है बताओ, ऐसे लूट मचा के रखते हैं ये लोग, 10 वाली पन्नी 20 में। चलो कभी कहाँ लगाओगे ये, हटा दे ये वाला, ऐसे सीधे सीधे यार गंदगी बढ़ी है यहाँ। इसी को ले लो, वहाँ ले लो, कहाँ पे, हाँ पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, यहाँ लगा लो, पकड़ो।
तैयार हो रहे हैं नहाने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए। ठीक है देखो वो तो चला गया है, सब ऐसे ही जाएंगे कच्चा बनियान में। ये भाई नहा के आ भी गया। अब अपने दोनों के कपड़े चेंज करते हैं और फिर हम दोनों भी मार के आते हैं बढ़िया से डुबकी। वन तो स्नान करके आ गए हैं, अभी चेंज करते हैं और जल भी हमने भर लिया है तो चेंज में कर लेता हूँ, फिर दिखाते हैं आपको। तो हम लोग तो हो गए नहा के तैयार। और ये देखो आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये ना देखो कांवर ऐसे तैयार करते हैं। तो ये देखो ये लोग अपना कांवर तैयार कर रहे हैं, तो ऐसे तैयार करके ये देखो इधर एक भाई साहब है, ये भी अपना कांवर ऐसे तैयार कर रहे हैं, देख रहे हो। तो सब ऐसे कांवर तैयार करते हैं यहाँ पे, और हम भी नहा धो के बिल्कुल गंगा स्नान करके फ्रेश हो गए। तो अब क्या है, थोड़ा चेंज तो हमने कर लिया है, शॉक्स और जूते ही पहनने हैं। वो पहनने उससे पहले क्या करना है, हमें थोड़ा ना जो पूजा करते हैं यहाँ पे तो वो करना है, उसके लिए हमें लेने जाना पड़ेगा अभी फूल, तो लेके आते हैं फिर दिखाते हैं आपको। भाई भूल चुका तो बता देना भैया, उधर सामान सामान देखते रहिए। तो तो सब लोग हो गए नहा धो के तैयार, तो अब निकलते हैं यहाँ से, रवाना करते हैं। ठीक है चलो, हर हर शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोल से शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो चलो फिर आगे निकलते हैं। तो ये देखो ये पुल है, ये कौन सा वाला पुल है, पता नहीं कौन सा वाला है, बट ये है कि देखो वो जो है पीछे क्या ही खूबसूरत लगता है ये धनुष वाला पुल। ये देखो चलो क्या ही जबरदस्त, और व्यू तो क्या ही बताऊँ आपको, इतना मस्त हो रहा है ना इस टाइम, बहुत सुहाना मौसम हो रहा है। 5:30 बज गया है और इतना ज़बरदस्त फील हो रहा है ना नहाने के बाद, तो और ज़बरदस्त फीलिंग आ रही है। ये देखो क्या ही खूबसूरत, क्या ही खूबसूरत। अरे भाई बोले गजब वीडियो बना रहे हैं, खाने पीने की चीज़ तो यहाँ पे इतनी सारी है, क्या बताऊँ, भीड़ इतनी हो रही ना, और दुकानें बहुत लगी हुई हैं यहाँ पे। जैसे कि ये देखो, जैसे कि ये देखो, ट्रैक्टर हो गए, छल्ले हो गए, कीरिंग हो गया, ऐसे दिखाता हूँ ऐसे ज़्यादा समझ आएगा। ये देखो ये हैट हो गया, टोपी हो गया, बहुत सारी चीज़ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। तो ऐसे आके आप आराम से देख सकते हो, ले सकते हो। यार ये कुछ लेके हैं ऐसे धागा काला वाला, वो ले लो। चलो देखते हैं, प्रसाद ले लिया है, तो प्रसाद हमने ये वाले लिए हैं, छोटे छोटे वाले, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया क्योंकि ये अंदर जो इसके अखरोट है ना ये ख़राब होता है अंदर, तो हमने ये लिया नहीं, छोटे छोटे वाले ले लिए। चलो फिर और देखते हैं आगे क्या कुछ लेने का है। जल हमने भर लिया है, वो बैग में रख लिया हमने पहले, तो चलते हैं आगे। देखते हैं छोटे मोटे आइटम क्या क्या मिलता है, लेते हुए ही चलते रहेंगे आगे। तो अपने थोड़े से पेट पूजा भी कर लिया, थोड़ा सा हमने खाया था चावल और थोड़े से खाया था हमने मोमो, क्या कहते हैं चाउमीन। तो खाने के बाद थोड़ा सा पेट में हमारी जान आई है,
दोनों को लग रही थी काफ़ी तेज की भूख, खाके थोड़ी सी राहत आई है। अब चलते हैं पार्किंग की ओर और घर वापसी निकलने की तैयारी करते हैं। दो लड़के तो पहले पहुंच गए पार्किंग पे और हम भी पहुंचते हैं, बट हम गलत आ गए हैं, पता है हम गलत आ गए हैं। चलो चलते हैं उधर देखते हैं। तो पैकिंग हो गई अपना और हो गए तैयार, साढ़े छह बज गया। तो ये देखो यहाँ से निकलने की बारी आ गई और हवा देखो क्या ही बेहतरीन चल रही है, जबरदस्त वाली हवा चल रही है। तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से, तैयार अपन हो गए, गाड़ी अपनी रेडी है, तो निकलते हैं यहाँ से। आया मैं रात को 12:30 एक बज गया था रात में, ठीक है। तो हम उस टाइम रात में फिर मैंने शूट नहीं करा, शूट कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे कर रहा हूँ। और आपको कैसा लगा ये वीडियो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। देखो मेरे को तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया से मतलब गंगा स्नान करके आए और गंगा जल भी लेके आया मैं घर। और इस ब्लॉग को फिर यहीं करते हैं और जो अब नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो आएगा हमारे लगता है मेला, रामबाग का मेला, ठीक है। उसके बाद ही मेला स्टार्ट हो जाता है शिवरात्रि के बाद। तो अब जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो आएगा मेले का, तो काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा वो भी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कैसा लगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।